हेलो स्टूडेंट्स, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से आपके लिए। माँ शारदा कोचिंग में आपका स्वागत है। और जैसा कि एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि भाई हमें सर मैथ्स के बारे में बताइए, जो हमारा भोजनालय होता है नवोदय विद्यालय में, उसमें क्या व्यवस्था होती है और किस तरीके का हमारा भोजनालय होता है और कैसा उसमें खाना मिलता है। तो इस वीडियो में हम इस संबंध में बात करेंगे। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सौमित उपाध्याय। तो देखिए, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि जो नवोदय है हमारे भारत में सभी जिले में, तो इसमें हमें जो मेन जो बात आती है कि भाई नवोदय के जो भोजनालय हैं, जो मैस हैं, वो शाकाहारी हैं या मांसाहारी, इस बात का पहले हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, आप जो क्षेत्र मांसाहारी क्षेत्र में लगते हैं या फिर जिन क्षेत्र में मांस को बहुतायत से खाया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा खाया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल जैसे असम, बंगाल, तमिलनाडु, मतलब जितना ही जिन क्षेत्र में इन सब मांस को खाया जाता है, उसके जो नवोदय हैं उसमें मीट की भी आपको सुविधा मिलती है, वहाँ पे भी आपको मीट भी मिलता है। लेकिन जिन क्षेत्र में मांस नहीं खाया जाता है, जैसे जिन क्षेत्र में, मतलब कि आप ऐसा नहीं है कि उनमें छत नहीं नहीं खाया जाता है, मतलब जिनमें 50% से मतलब कि ज़्यादा नहीं खाया जाता है, तो जैसे कि हमारे ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और इधर के मतलब कि क्षेत्र जो है नॉर्थ, हमारा नॉर्थ, तो इसमें नहीं खाया जाता है। तो इन जगहों पर जो नवोदय होते हैं उनमें जो मैस में शाकाहारी खाना ही मिलता है। लेकिन आपको इसमें बता दूं कि यदि जैसे कि वो बच्चों पर डिपेंड करता है, मेन बात होती है वहाँ के बच्चों पर, बच्चे उसको प्रिफर कर रहे हैं या नहीं, बच्चे उसको लेना चाह रहे हैं या नहीं। जैसे कि बाई चांस बच्चों ने कहा कि भाई हमको तो अंडे चाहिए, मतलब हफ्ते में हमें अंडे चाहिए, तो वो अंडे नवोदय लाकर देगा, ठीक है। यदि बच्चों ने कहा हमको मीट भी चाहिए, तो बच्चे को मीट लाकर देगा। तो आप इस चीज से निश्चिंत रहिए, यदि आपका आप शाकाहारी हैं या फिर आप मांसाहारी हैं, तो आपको जैसा आप कहोगे वैसा आपको मिलेगा। लेकिन ये नहीं है, उसमें आपको मेजोरिटी होनी चाहिए, आपके साथ 50% बच्चे वहाँ होने चाहिए। मतलब कि जब ये इसमें हफ्ते में या महीने में एक बार मीटिंग होती है, उसमें स्टूडेंट्स को सभी को बुलाया जाता है, उसमें बच्चों से पूछा जाता है, हाउस कैप्टन जो होते हैं, कि आपको क्या खाना है क्या नहीं लेना है, तो वही मैस में प्रोवाइड कराया जाता है। यदि आपको उसको मना करते हैं कि हमको मांसाहारी नहीं चाहिए, हमको मांस नहीं चाहिए, तो वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आप इस चीज से बेचैन निश्चिंत रहिए एकदम, कि आप यदि शाकाहारी हैं और आपको यदि ये डर है कि हमारा बच्चे को इस तरीके से खाना दिया जाएगा, तो उनके मैस में बर्तन भी अलग होते हैं, ठीक है ना। उनके लिए ऐसा खाना नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मैं दो नवोदय से पढ़ा हुआ हूँ, एक तो बुलंदशहर और एक माइग्रेशन असम, असम के जोरहाट से, ठीक है ना। तो वहाँ जो हमने देखा है, मैंने दोनों कंडीशन का ही देखा है। वहाँ जो जोरहाट में, जो असम में था, वो वहाँ मांसाहारी मैस था, और हमारे यहाँ बुलंदशहर में शाकाहारी मैस था। तो आज तक भी नवोदय में हमारे वाले बुलंदशहर में कभी आज तक अंडा तक भी नहीं मिला था, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों ने राजी नहीं हुए तो वो नहीं मिला। और लेकिन असम में हफ्ते में 2 दिन अंडे थे, हफ्ते में 3 दिन मीट था, ठीक है ना। तो हम लोग क्योंकि शाकाहारी थे, तो हम लोगों के लिए अलग से खाना बनवाया जाता था, ठीक है ना। हम लोगों को वो मांस नहीं दिया जाता था, ना ही हमको फोर्स किया जाता था इस चीज़ के लिए। और आपको इस चीज़ पे कि किस दिन क्या मिलता है, कैसे मिलता है, इस चीज़ पे भी मैं आपको वीडियो दूंगा, ठीक है ना। तो उसका आप वेट कीजिए, और जो भी आपको इसमें संबंधित आपको जो भी जानकारी चाहिए, आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं। आपको जो भी कमेंट में लिखना है, जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, उसको हम आपको पक्का ला कर देंगे, ठीक है ना। अब आपके संबंध में मेरे ख्याल से तो अब कोई शाकाहारी या मांसाहारी के चक्कर में आपका कोई डाउट नहीं रह गया होगा, क्योंकि यदि रह गया होगा तो उसे आप फिर भी बताइए, मैं उसको और क्लियर अगली वीडियो में आपको करके दूंगा, ठीक है। ध्यान रखना है, आप शाकाहारी हो तो आप प्योर प्योर शाकाहारी होंगे, और यदि आप मांसाहारी हो तो आप मांसाहारी के लिए भी आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पक्ष में 50% मेजोरिटी, 50% बच्चों की मेजोरिटी आपके साथ होनी चाहिए, तब आप जाकर वहाँ मीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मीट के लिए आप मांग सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थैंक यू।